जानकारी दे सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो राजनीतिक रूप से कई बड़े बदलाव भी देखने को। फिलहाल अगर देखा जाए दर्शकों, यहाँ पर माना ये जा रहा है कि जिस तरीके से पूरी स्थिति बन रही है और ये कहा जा रहा है कि दरअसल आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी और कई बड़े सबूत भी पेश कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल पहले समन पर जो रवैया रहा अरविंद केजरीवाल पर, उस पर कहीं ना कहीं इस वक्त ये कहा जा रहा है क्या दूसरे समन के बाद भी वो हाजिरी नहीं देंगे, और अगर हाजिरी नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ क्या ईडी कोर्ट से कोई गैर जमानती वारंट भी जारी करवा सकती है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल पर सभी की नजर टिकी, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल जेल में चले जाते हैं तो आप सोचिए कि आम आदमी पार्टी की बागडोर कौन संभालेगा, किसके कंधों पर यह पूरी जिम्मेदारी जो है वो जाती हुई नजर आएगी। फिलहाल अगर देखा जाए दर्शकों, तो इस मामले पर साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि जब भी इस तरीके की स्थिति राजनीति में पैदा होती है उससे गिरफ्तारी देने वाले की राजनीति चमकती है। फिलहाल अगर देखें हम तो बिल्कुल इस तरीके के ही आसार नजर आ रहे हैं। अगर राहुल गांधी के उस जो परिप्रेक्ष्य में बात करें तो राहुल गांधी की भी जब गिरफ्तारी को लेकर के खबरें चल रही थी, उनकी सदस्यता जो है छीन ली गई थी, तो उसके बाद राहुल गांधी की छवि कहीं ना कहीं उभर करके सामने आई है। तो क्या यही सारी चीजें अरविंद केजरीवाल वाले मामले भी देखने को मिल सकता है? इस पर पार्टी का क्या पक्ष है वो एक बार देखिए। नमस्कार। दिल्ली सरकार में काम करने वाले कर्मचारी मेरा परिवार है और आज उनके लिए मैं एक खुशखबरी लेके आया हूँ। दिल्ली सरकार ने पिछले 8 साल में दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सर्विसेज आदि के क्षेत्र में जितने काम किए हैं, जितने शानदार काम किए हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे दिल्ली सरकार के कर्मचारियों ने निभाई है। इन कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और काम की बदौलत हम दिल्ली को दिल्ली के लोगों के सपनों का शहर बनाने में सफल हुए। ये महीना त्योहारों का महीना है और इस त्योहारों के मौसम में हम अपने सभी ग्रुप बी नॉन गजेटेड और ग्रुप सी कर्मचारियों को 7,000 रुपये का बोनस दे रहे हैं। ये फैसला हमने दिल्ली सरकार की तरफ से लिया है। इस समय दिल्ली सरकार में लगभग 80,000 ग्रुप बी नॉन गजेटेड और ग्रुप सी कर्मचारी हैं। ये बोनस देने के लिए 56 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इससे हमारे कर्मचारियों के घरों में त्योहारों में खुशियां दुगनी हो जाएंगी। एक सरकार के रूप में हमने अपने कर्मचारियों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमेशा प्रयास किया है और ये प्रयास जारी रहेंगे। सभी को, सभी कर्मचारियों को, सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएँ। जय हिंद। तो आपने देखा दर्शकों, अगर इस पूरे जो है मुद्दे को नजर में रखते हुए हम समझने की कोशिश करें तो आम आदमी पार्टी की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार पार्टी के खिलाफ एक के बाद एक जो है कई बड़े मामले यहाँ पर बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसके आधार पर साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि फिलहाल पार्टी को इसमें कोई भी राहत नहीं मिलने जा रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी देने का साफ तौर पर यह होगा कि 24 के खेल में ये मुद्दा काफी ज्यादा हावी होता नजर आ सकता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट न्यूज।